नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शाम 7 बजे के बुलेटिन में जिन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी वो खबरें हैं उदयपुर में आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी। अमित शाह ने आदिवासी समुदाय के प्रबुद्ध जनों से संवाद किया, साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया। वहीं इस बीच अमित शाह के एक बयान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ये बयान क्या है बताएंगे आपको। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए शाह पर क्यों झूठ बोलने का आरोप लगाया ये भी आपको बताएंगे। साथ ही अब से कुछ देर के बाद गहलोत कैबिनेट की बैठक होनी है, कौन कौन से मुख्य बिंदु इसमें रहेंगे, नए जिले के अलावा क्या कुछ खास रहने वाला है इस पर हम आपको जानकारी देंगे। जोधपुर से लौटते समय कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी उनके साथ थे। सभी सकुशल है लेकिन ये घटना कैसे घटी ये आपको बताएं। इसके अलावा उदयपुर एसीबी ने किस तरीके से कार्रवाई करते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया और बीकानेर में खाजुवाला में दलित युवती से दुष्कर्म और हत्या के मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई को किसने पकड़ा, किस तरीके से जाल बिछाया गया और कैसे इसको ट्रैप किया गया ये आपको बताएंगे। ये भी आपको बताएंगे। प्रदेश भर में जो रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, इसके इतर कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और कब से मानसून धीमा पड़ना शुरू होगा इस पर भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे।